नमस्कार, आप सभी का सुनो भारत न्यूज में स्वागत है। आज ग्रेटर नोएडा में बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिला स्तरीय सामाजिक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर जिले के हर धर्म व जाति के लोग उपस्थित हुए। अनोखी बात ये रही कि आज सुबह से ही पूरे शहर में भारी बारिश के बीच भी लोग इस सम्मेलन में भारी संख्या में पहुँचे। ये सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा प्रत्याशी व प्रभारी वीरेंद्र डाडा जी की अगुवाई में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा रहे। देखें पूरी वीडियो। बहन कुमारी मायावती जी ने जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के आधार पर जो सरकार चलाई, दोस्तों इसका वर्णन सर्व समाज के लोग, सर्व वर्ग के लोग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, साथियों सर्व समाज के लोगों ने सराहा, सर्व वर्ग के लोगों ने सराहा। तो मैं तो विशेषकर निवेदन करना चाहता हूँ बैकवर्ड समाज के भाइयों से, विशेषकर सेनाई समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह हम लोगों को सम्मान दिया, मुझे से छोटे से कार्यकर्ता को राज्य मंत्री का दर्जा दे करके, दोस्तों इस मंच पर अपनी बात रखने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप लोगों के बीच में जो मुझे बोलने का मौका मिला है, दोस्तों इस मंच के माध्यम से बहन जी के ऋणी होने का, बहुजन समाज पार्टी के ऋणी होने का, दोस्तों मैं आप लोगों को ये आभार प्रकट करता हूँ। ऋणी होने पर दोस्तों मैं ये वादा करता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में इस ऋण को, बहुजन समाज पार्टी के इस ऋण को दोस्तों वोटों के माध्यम से ये बैकवर्ड समाज के लोग, ये सैन समाज के लोग चुकाने का काम करेंगे। दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद अदा करते हुए कि आप लोगों ने तफसील से मेरी दो शब्दों को आप लोगों से सुना, मैं आप लोगों का पुनः आभार प्रकट करते हुए, आपका धन्यवाद अदा करते हुए।